बीते 26 अप्रैल को जगजीतपुर निवासी परमजीत की जान ले ली गई थी, जिसके बाद परिजनों को सांत्वना देने के लिए क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान मृतक के घर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही विधायक वहां पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका विरोध कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद कनखल थाने की पुलिस ने ग्रामीणों को किसी तरह से शांत कराया। करता हूं। और एक होनहार बच्चा हमारा, वो मैं तो उसे कई बार मिला भी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का था, और उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और मैंने उनके पूरे परिवार से बातचीत हुई, मैंने पुलिस के अधिकारी से बात करूँगा, उससे हुई भी है मेरी बातचीत, और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा दिलवाई जाएगी, और हम हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं, और जहाँ भी हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं, और उनको न्याय दिलाएंगे। हो सकते हैं मुझे कहीं तक भी जाना पड़े उनके साथ, और उनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं है। इतना बड़ा कष्ट है, इतना बड़ा पहाड़ उस परिवार पर टूटा है। 1.5 साल पहले जिस बच्ची की शादी हुई हो, 4-6 महीने का गोद में बच्चा हो, वो विधवा हो गई है हमारी एक बिटिया, तो इससे बड़ा किसी भी परिवार के लिए उससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत असहनीय दर्द पूरे परिवार के लिए है, और उसको कम नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, अपराधियों को सजा दिलवाने के बाद में जरूर उनके मन को कोई तसल्ली होगी, उनको अपराधियों को सजा दिलवाने में जो कुछ भी करना पड़े हम वो सब कुछ करेंगे। दरअसल ग्रामीणों को विधायक से ये नाराजगी थी कि हत्या के इतने दिन बाद वो परिजनों से मिलने पहुंचे, जबकि विधायक को घटना के तुरंत बाद ही मौके पर पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि बीजेपी विधायक ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि शादी समारोह में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई थी, जिसके बाद बैंक कर्मी परमजीत की पत्थर मार कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि घटना के कुछ ही घंटों बाद कनखल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए हरिद्वार से इंतजार रजा की रिपोर्ट।